obsessed with me. चब्बू कौन सी दुकान है? टॉप की दुकान पर हम लोग आए टॉप का जूस पीने. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से बिल्कुल ठीक. ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब. और कल मैं खाने में क्या बनाऊँ यही बता दें. दुनिया का सबसे औखा मुश्किल सवाल ये कि खाने में क्या बनाऊँ. इट्स अ टॉक्सिक क्वेश्चन. सुबह सुबह उठने को कभी दिल नहीं करता इसलिए मैं सो जाती हूँ. तो क्या हुआ, शाहरुख कह रहा है उसे खाना बना के घर में दूंगी. यार वो कौन से महान प्राणी है जो सुबह 6 बजे उठते हैं? हम तो सुबह 6 बजे सोते हैं. रोज सुबह रोजाना एवरी डे हमें उठना पड़ता है. ऐसा कुछ अलग नहीं हो सकता कि हमें उठना ना पड़े, हमें रोजाना सोना पड़े. ये सिर्फ ख्वाब होते हैं. खैर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं महारानी होती ऐसे तारी बजाती और फेस वॉश हाजिर होता. और फिर अफ्तारी जाती, फिर एक और आती नौकरानी जो कि मुझे मेरा फेस वॉश कराती, मेरे लिए सब कुछ करती, मतलब मैं धुआं डालती, सब कुछ होता. और गर्म पानी के बड़े बड़े टब होते, उसमें जाके नहाती सुकून से, कितना सब कुछ होता था. मेरे सारे घोड़े होते, सब कुछ होता मेरे पास. बस तारी बजाती और सब कुछ हाजिर. जैसे हम लोग वो ड्रामा देखा था दोबारा, वो मैं किसी चुटकी में किसी के महाराजा घर पैदा नहीं होती, किसी वजीर घर पैदा होती तब भी सब कुछ होता. जैसे वो उसमें एक दिन के लिए अनिल कपूर जो है वो बना था सीएम बना था, मैं शायद एक दिन के लिए मैं महारानी बनना चाहती हूँ. मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे बस उधर सो के ना जो अंगूर खिला रही थी ना लड़के, मुझे वो वाला सीन करना खुद के साथ, मुझे बहुत दिल करता है. ऐसे करो फिर अंगूर लेकर आए अच्छी सी प्लेट में, बोले नो शर्मा है. अजीब इतने अजीब चीजें सोच रही होती हूँ, नहा रही होती हूँ, मुझे लगता है सब चुड़ैलें मेरे साथ खड़ी हुई हैं. रात के टाइम पाँव अगर बाहर कर लो चुड़ैल ना मेरे पाँव खींच के चल जाएगी, और अंदर करो तो गर्मी लग रही होती है. यार मुझे चुप हो जाना चाहिए, चुप होकर जब मैं काम कर रही हूँ अपना वो काम करो, जल्दी करो. अपने ही ब्लॉग में इज्जत नहीं है. आई फॉरगॉट टू टेल यू, कल मेरे पास एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे प्यार से फ्लावर्स दिए और उनका नाम जी था, राणा जी था, शायद ही था राणा जी था. तो उन्होंने मुझे ये फ्लावर्स जो मुझे इतने पसंद आए और बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है. झूठ बोरिन में खुशबू नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करने में क्या ज़्यादा. जब भी आपके अगर आपके पास फूल वाना नहीं है तो आप ऐसे प्रिटेंड करो लाइक से बहुत खुशबू ऐसे. मी ऑब्सेस्ड विद मी. अपने बालों के पीछे कर लूँ, फिर हम चलते हैं खाना बनाने के लिए. सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं आलू अंडी. प्याज मैंने काट लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक ताकि जो इसका आंखों में जो मैं लगेगा ना, जो मेरी आंखों को नुकसान पहुंचाता है. बाय द वे प्याज का जो पानी जिससे हमें जब हम प्याज काटते हैं हमारी आंखों से पानी निकलता है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हमारी आंखों की गंदगी को और मतलब साफ करता है. हमारी आंखों गंदगी निकालता है ना हमारी आंखों को साफ करता है. व्हाई आई एम बीइंग सच अ ड्रामेटिक गर्ल, डोंट बी ड्रामेटिक, बी नेचुरल. नेचुरल कहना, नेचुरल कहना बहुत अच्छा, बिकॉज आई एम सच अ नेचुरल पर्सन. फ्रिज में से टमाटर, ओहो यहाँ पे तो आलू भी पड़े हुए थे, मैंने ऐसे ही मंगा लिए. बेटर लक नेक्स्ट टाइम गाइस. चाहिए और देखते ही देखते हमारे जो एग है वो बॉईल हो चुके हैं. आलू अंडा बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ. हमारा मेन इंग्रेडिएंट है अंडा, उसके बाद है आलू. मैंने दस अंडे लिए हैं, मैंने लिए हैं 4 आलू, मैंने 6 हरी मिर्च ली है, उसके हल्दी, लाल मिर्च, नमक के क्यूब्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, टमाटर, 4 टमाटर बड़े बड़े, 2 मोटे मोटे,
धनिया की धनिया ले लेता सा धनिया। तो अभी इन सब इंग्रेडिएंट्स को और अंडों को ना हमने पहले ही बॉईल कर लिया, मैंने इनको बॉईल कर लिया है। आप चाहे तो इनको पूरा भी डाल सकते हैं, आप चाहे कट करके भी डाल सकते हैं, मैं इनको पूरा पूरा डालूंगी। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, चलो चलते हैं करते हैं हमारे खाना बनाना स्टार्ट। के लिए मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल, खैर कोई मसला नहीं, अभी इसमें डाल तो दिया, बड़ी मुश्किल से आधा गिरा कर आई। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम, इसके अंदर हम डालें प्याज। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का हम एक ही क्यूब डालेंगे। जब हम नोट का ये मंगाते तो इसके अंदर दो क्यूब होता था, मैं एक ही क्यूब डालूंगी क्योंकि कल जो मैंने ज़्यादा डाला था कि वो ज़्यादा था, आज जितना कम है तो मैंने इसके अंदर एक ही डाला। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। अच्छा, आलू को हमने तकरीबन कम से कम भी 10 मिनट जो है अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जो है मैं इतना पानी ले रही हूँ, आधे से फुल से थोड़ा सा कम। अब हम इसको 5 मिनट के लिए या फिर 7 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर, आंच आपने थोड़ी कम कर लेंगे, हल्की आंच पर जो है इसको रहने देंगे ताकि आलू जो हैं अच्छे से गल जाएं। तो हमारा सालन जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, मैं उसको चेक कर रही हूँ। हमने ना चेक इस तरीके से करना है, ये देखें ये आलू है, देखें ये बिल्कुल जो है गल चुका है। बस हमें इस तरीके से करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे अंडे। तो अंडे डालने के बाद मैंने बंद कर दिया था चूल्हा। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का जो है धनिया डाल देंगे। धनिया डाल के हमने ऊपर ढक्कन दे देना है। तो हमारा मजेदार सा खाना तैयार हो चुका है। रिंग लाइट का बटन बंद, कब से रिंग लाइट मेरा साथ दे रही थी। और ये देखें किचन भी बिल्कुल साफ है, कुछ भी गंदा नहीं हो रहा। ये कब हुआ, ये जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैंने कहा मैं बोलती कि मैं सफाई कर दूँ, वो हमारी जो रेसिपी वो खराब होती है, तो मैंने इसलिए साथ साथ बर्तन धोना हर चीज मैंने कर ली, सफाई भी मैंने कर ली थी। कितनी अच्छी हूँ ना मैं। अरे आज जरा बाहर का मौसम तो देखें कितना ज्यादा हसीन हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, घर दिखाने तो भूल गई, देखें ये कितना सारा बन गया ना। अब हम लोगों ने वहाँ से जब नीचे से बना था मैं तब से देखा था, अब देखें सेकंड फ्लोर भी बन गया। और सच में मौसम इतना क्यूट लग रहा है, क्यूटी पाए। सब्जी वाले भाई सब्जी दिला। मैं जरा शाहरुख को उठा कर रहा हूँ, मैं सारे घर के काम करूँ, ये सो रहा है। शाहरुख शाहरुख उठ जाओ, पता 5 हो रहे हैं, कब उठोगे? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर उठ जाओ ना, उठ गए हो, कितनी देर में उठोगे? 1 मिनट में। जब भी उठ तरफ से पहले का बोलेगा थोड़ा सा टाइम दो, 5 मिनट 6 मिनट, मतलब 5-6 मिनट में कौन सी नींद पूरी होती है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और हमारे घर में पागलों की बिल्कुल कमी नहीं, जब से हमारे घर में मिठू है मिठू भी उल्टी सीधी हरकतें करने में कभी पीछे नहीं रहता। करो करो ढक्कन उठा के दिखाओ क्या कर रहे थे। तो ये मैंने सारा निकाला है बाबर के लिए, क्योंकि बाबर वहाँ पर अकेला होता है और वहाँ पर उसको कुछ नहीं होता खाने के लिए, रोज वो शवरमा खाता है वहाँ का, जिससे मैंने कहा मैं घर का खाना देती हूँ ताकि उसको अच्छा लगे। और अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं चपातियाँ बाबर के लिए। हाँ सही करे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मौसम है, आज 27वां रोज़ा है, रात को इतनी खूबसूरत रात थी और सुबह हमारा दिन इतना हसीन बना दिया अल्लाह ताला ने। तो अभी हम लोग बाबर की दुकान पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं वीडियो नहीं बना सकूंगी, बस हम उसको खाना देकर वापस आ जाऊँगी। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं, अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। देखिए दरख्त अच्छा लग रहा है, इसे गिर जाएंगे, इतने ही माफ़ करें, तेज़ हवा चल रही है और रोड बिल्कुल क्लियर है, मुझे ऐसी रोड्स बहुत पसंद है। तो ये मीर साहब को देखे माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा है। हेलो हेलो, किसकी कॉल आ रही है? वाह तो जो साड़ी आप लोगों ने कही थी वही साड़ी मैंने ले ली। अब इसके साथ का जो है ब्लाउज का कपड़ा लेने जा रही हूँ मैं। तो नैना यहाँ पर ले रही है कपड़े, साड़ी बनवा रही है। तो
मैं उसके साथ का मैंने कपड़े ले लिया, बस इसके साथ की लेस लेनी है। और अभी अभी हम लोग आए हैं अब्बू की टॉप की दुकान पर शेक पीने। कैसे अब्बू, कौन सी दुकान है? टॉप की दुकान पर हम लोग आए टॉप का जूस पीने। इतना मजे का है शाहरुख, तुमने गलती कर दी ना पी के। मैं व्लॉग एंड करने लगी थी और व्लॉग एंड करने से पहले मैं सोचा मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं कि बाकी जो है सिर्फ 2 महीने रहते हैं सलमान बाजी कहने में और हम लोग फिर जाएंगे तुर्की। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुर्की जाने के लिए क्योंकि तुर्की बहुत पसंद है। दुबई पर एक्साइटेड हूँ, बताऊँ कैसे? कैसे? मैं मुस्तफा के गाल खींचूंगा। मुस्तफा के लिए खुश हो? तुर्की जाने के लिए खुश नहीं है पागल। जब मैं छोटी थी ना, मतलब फर्स्ट मुझे मदीना जाना था, फिर मुझे मरीना बीच जाना था। मदीना से मैं हवाई मरीना बीच भी देख लिया, अब मुझे तुर्की का बहुत शौक है। तो अब तुर्की इंशाल्लाह 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 2 महीने, बस 2 मंथ थे सलमान जी को मैंने बोला, सलमान जी से आधी बात होती सलमान जी का था, आऊँगी पक्का और चलेंगे पक्का, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा अच्छी जगह जो है सजेस्ट कीजिएगा, अभी से ही करें ताकि अपना वो प्लान बनाते रहो। कहते हैं जब प्लान हो ना तो फिर अच्छा ही होता है सब कुछ आगे। ये जगह पता होगा कि हाँ ये जगह है ये जगह, तो फिर हमारा अच्छा ही वहाँ पर ना मतलब घूमना हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे कल आप लोग अपने व्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।